वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल और टाइटल देखकर तुम लोग समझ ही चुके होगे कि आज का वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो पीसेस मैंने शॉप किए हैं सरोजनी नगर से ट्राई ऑन करके। सो आप खुद देखोगे कि सरोजनी नगर का विंटर कलेक्शन जितना प्यारा था उतना ही उसका समर कलेक्शन भी प्यारा है। बस सरोजनी नगर में एक ही बात है कि ढंग से ना चीज़ें ढूंढनी आनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी वैरायटी होती है और उसमें से आपको अपनी चॉइस का कुछ ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का। सो वही 4-5 पीसेस जो मुझे पसंद आए थे टी शर्ट्स और टॉप के कलेक्शन के, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होपफुली तुम लोग को भी उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो जल्दी से देर नहीं करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपना पहला शो स्टॉपर पीस, बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और पहनने के बाद भी इतना क्यूट क्यूट सा लुक दे रहा था ना, बच्चों वाला लुक होता है ना, टीनेज वाला लुक, वैसा वाला लुक आ जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, ये है फर्स्ट पीस। ये कुछ बेबी पिंक कलर का है जिसपे व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स हैं या स्ट्राइप्स हैं, और इसका जो ये क्या बोलते हैं इसको, बाजू है, ये स्लीव्स इस तरीके की आपको मिलेंगी। इतना जा रहा है, इतना भी मेरे ट्राई ऑन में भी आपको दिख रहा होगा कि कैसा है, और मतलब लाइक बहुत ही क्यूट इसका कलर है। सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी क्या लगी, इसकी नेक और इसकी बैक। आप ये देखो कितना ज्यादा प्यारा सा इसका नेक है, और इसका बैक उससे भी ज्यादा क्यूट है। पीछे जो ये एक बटन दिया है इन्होंने, ये बहुत ही क्यूट लुक दे रहा है। साथ में ये बैक पे कट है थोड़ा सा, और ये ना तो क्रॉप टॉप की कैटेगरी में जा रहा है और ना ही ये मतलब लाइक लॉन्ग टॉप की कैटेगरी में। ये एक उस तरीके की लेंथ है जो मिडिल टाइप की लेंथ हम चाहते हैं ना कि जीन्स के ऊपर कैरी करें, या फिर जेगिंग्स के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर भी इवन आप इसको कैरी कर सकते हो। बहुत ही क्यूट पीस है, और जितने भी पीसेज मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ ना, सारे के सारे अंडर ₹200 हैं। सो आप गैस करो कि इसका कॉस्ट कितना होगा, इसका प्राइस कितना होगा। चलो मैं ही बता देती हूँ, दिस इज जस्ट फॉर ₹100, और ₹100 में आपको आगे इतना प्यारा नेक मिल रहा है, इतना प्यारा बैक मिल रहा है, प्लस आपको अपनी पसंद का इतना क्यूट से कलर में टॉप मिल रहा है। हाँ, फेब्रिक की बात करें तो मैं बता दूं कि बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। नॉर्मली आप अगर जो भी अपने अंडरगारमेंट्स कैरी करते हो वो डालोगे, उसके पास स्पेगेटी डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कपड़ा इतना ठंडा है ना, मतलब लाइक समर सीजन में बहुत ही अमेजिंगली आपके लिए वर्क करने वाला है। सो ये वाला शो स्टॉपर इसलिए बिकॉज ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। हो सकता है कोई और पीस आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। जल्दी जल्दी देखते हैं, एंड सेकंड पीस है मेरा येलो कलर का। येलो कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसका ना आप डिजाइन देखो, ये क्रॉप कैटेगरी में है और इस पे ऐसे व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत ही क्यूट है ये, आप देख सकते हो। और ऐसे राउंड नेक में है ये, और इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी छोटू सी स्लीव्स हैं, क्योंकि गर्मियों में उतनी लंबी लंबी स्लीव्स पसंद नहीं आती, और बहुत ज़्यादा गर्मी जब आए तब तो भाई ऐसा लगता है कि जितने कम कपड़े और खुले कपड़े पहनो ना उतना ज़्यादा बेटर है। सो इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये तो बिल्कुल भी उसमें वो वाला कपड़ा जो पिंक वाले टॉप का था फिर भी थोड़ा पतला था, लेकिन ये पूरा आपको इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत ही प्यारी लगेगी। बिल्कुल थिक कपड़ा है अंदर से, बहुत क्यूट, प्लस ये पहना हुआ कितना प्यारा लग रहा है वो तो आप देख ही पा रहे हो। और आगे भी ऐड कर दूंगी मैं अपने जो भी शॉर्ट्स होंगे इनको पहन के, क्योंकि ट्राई ऑन वीडियो है तो ट्राई तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। एंड दिस इज जस्ट फॉर ₹120 आई गेस, हाँ 120, बहुत ही बहुत क्यूट लगेगा। आप ब्लैक जीन्स के साथ कैरी करना, क्योंकि ये ब्लैक जीन्स के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको पहना था। हमारा थर्ड वो भी है एक टॉप, लेकिन वो थोड़ा सा हाई नेक में है। आप इसको विंटर जब अर्ली विंटर्स होती है ना तब कैरी कर सकते हो, तो ये वाला लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैंने ले लिया था। उसका कलर सबसे ज्यादा प्यारा है, देख सकते हो ग्रीन कलर में ये है, व्हाइट कलर की स्पेस स्ट्राइप्स है, ये फुल स्लीव में है, बिकॉज मैंने बोला ना अर्ली विंटर कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हो, इवन समर सीजन में भी आप डाल सकते हो, क्योंकि इसका कपड़ा गर्म नहीं है, बस स्लीव्स हैं और नेक थोड़ा सा लंबा है इसलिए। बाकी इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी प्यारा है, ये भी बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, और ये वाला बहुत ही अमेजिंगली वर्क करेगा विंटर अर्ली विंटर्स में और समर सीजन में।
एंड बहुत ही क्यूट सा कलर है। ये कलर ऑलमोस्ट सबके पास नहीं होता है, जैसे दूसरे कलर्स में दिखाया पिंक येलो वो सब होते हैं, बट ग्रीन कलर बहुत ही रेयर केस में मिलता है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था। इसको भी आप जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो। बाद आ जाता है लास्ट बट नॉट दी लीस्ट एक और क्यूट सा टॉप लेमन येलो कलर में। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी और आगे का जो नेक एरिया है ना वो बहुत सुंदर है। ये देखो, ये इस तरीके के से डॉल स्टाइल टॉप में है ये टॉप। पीछे देखो कितना क्यूट सा लग रहा है। और ये जो नॉट आगे दी हुई है ना, दिस इज द बेस्ट पार्ट। जब इसको आप टाई करोगे ना बहुत सुंदर लगता है। एंड इसके ऊपर कुछ ऐसे पिंक कलर और ग्रीन कलर दो कलर में ऐसे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, थ्रेड वर्क है, ये थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बिल्कुल डॉल जैसा। और ये स्लीव्स देखो आप, इसकी इवन स्लीव्स भी कितनी क्यूट हैं। सो ये इसके अंदर इन लोगों ने यहाँ पे नीचे कपड़ा अटैच किया हुआ है अंदर। सो ये भी बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, आप देखो ऐसे। सो ये भी बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। सारे जो भी प्राइस लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर से चेकआउट कर लेना। साथ में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं उसमें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। होपफुली आपको ये 3-4 पीसेस पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन हिट कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये भी वहीं से लेके आई थी मैं, ये आप जो मेरी देख पा रहे हो ना बाली छोटी सी क्यूट सी, ये भी मैं वहीं से लेके आई थी। ये आप नॉर्मली डाल सकते हो, कैरी कर सकते हो जस्ट फॉर रुपीज 10। 10 रुपए में आजकल सिर्फ कुरकुरे चिप्स का एक छोटा सा पैकेट मिलता है, लेकिन इतनी क्यूट सी बाली मिल रही है। सो एक बार ही तो जाना बनता है ना, समर में अभी तो और कलेक्शन आएगा, लेकिन आप जरूर जाना अपने कंफर्ट के हिसाब से। जो मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा रश रहता है संडे को, मंडे को आधी मार्केट क्लोज रहती है आधी ओपन रहती है। सो बाकी वीकडेज में आप फेवरेबली वहाँ पे जा सकते हो, बट अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है वहाँ पर, ज़्यादा कुछ आप ढंग से देख नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वीकडेज में जाओ, मंडे मत जाना, बिकॉज उसमें आपको आधी वेराइटी देखने को ही नहीं मिलेगी। बाकी ट्यूजडे से लेकर फ्राइडे तक आप कभी भी विजिट कर सकते हो। खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़ों का कलेक्शन, ज्वेलरी का कलेक्शन, फुटवेयर का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है वहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बेल बटन हिट कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना और नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप कोई वीडियो देखना चाहते हो तो। बाय।